असलकुम इस सेशन में हम ये देखेंगे कि किस तरह इमेजिनेशन को हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में ला सकते हैं ये कहना सच नहीं होगा कि किसी की इमेजिनेशन या कोई शख्स कह के कि नहीं मैं ज़्यादा imagine नहीं कर सकता मैं तो सिर्फ़ मैथ्स और साइंस वाला शख्स हूँ हर इंसान की इमेजिनेशन होती है चाहे वो साइंस में पढ़ा हो आर्ट्स का स्टूडेंट हो लिखने का शौक़ीन हो लैंग्वेज की उसकी स्ट्रेंथ हो ड्राॅइंग की स्ट्रैथ हो एवरी वन हैज़ एन इमेजिनेशन उसको आप यूज़ डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं Uh, हो सकता है बिल uh, गेट्स ने अपनी इमेजिनेशन डिफरेंटली यूज़ की हो और सदन ने उसको किसी और तरीके से यूज़ किया बट एवरी वन हैज़ एन इमेजिनेशन और उसको हम कैसे uh, कर सकते हैं उसको कैसे परवान चढ़ा सकते हैं वो भी हम देखेंगे और एक कोई नमूने के आपको कुछ मैंने अपनी फेवरेट पोइट्री एक गाने की वो आपके लिए ये प्रजेंट किए यहाँ पर uh, ये एक पुराना गाना है इंग्लिश का उसमें उनने दिस इज़ अ मैन सिंगिंग फॉर हिज़ बिलाव और उनकी खूबसूरती को और अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ उन्होंने इस तरह से एक्सप्रेस किया यू फिल अप माई सेंसिस लाइक अ नाइट इन अ फॉरेस्ट लाइक द माउंटेंस इन स्प्रिंग टाइम लाइक अ वॉक इन द रेन लाइक अ स्टॉम इन अ डेजर्ट लाइक अ स्लीपी ब्लू ओशन यू फिल अप माई सेंसिस कम फिल मी अगेन तो उनने जाहिर है एक ह्यूमन बींग को इतनी सारी चीज़ों के साथ कंपेयर किया है ऑब्जेक्ट्स इन नेचर के साथ कंपेयर किया है और उन्हें यह कहा है कि मेरे सेंसेस जो हैं या मेरे जो आ, सुनने की सलाहियत देखने की सलाहियत इट्स कम्प्लीटली टेकन ओवर बाई यू तो उसको उन्होंने इस तरह से एक्सप्रेस किया है और डिफरेंट नेचर के सीन्स के थ्रू उन्हें एक्सप्रेस किया इट्स वेरी सिंपल इसमें कोई डिफरेंट या मुश्किल वोकेबलरी नहीं है लेकिन वो थॉट प्यारा है और उसकी अपनी एक अपील है इस तरह जिस तरह से उन्होंने उसको सोचा है और तैयार किया अच्छा इसमें से एक ये इम्पॉर्टेंट डराइवेटिव है हमारे लिए कि हम अपने फाइव सेंसेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए हम यूजुअली अपने आपको मालूम होगा हम ज़्यादातर अपनी देखने की ही या सुनने की इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जब हम लिखते भी हैं तो हम इन्हीं के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो ये शुरू में आपको दानिस्त तौर पर कोशिश करके कॉन्शियसली एफ़र्ट करके करना पड़ेगा कि आप अपनी फ़ील करने के सेंस को भी यूज़ करें कोई चीज़ हवा कैसे फील हो रही है जब चलती है मट्टी का झोंका कैसा लगता है कोई कपड़े की फ़ील कैसी है लकड़ी की फील कैसी है बच्चे के हाथ की फ़ील कैसी है ये सारी चीज़ें आपने ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आपने आ, ये इमेजन किया या सोची है वो आपने लिखनी ही है लेकिन इट विल पुट यू इन अ सर्टेन मूड इट विल हेल्प यू एंटर इन टू दैट रियालिटी आप उस रियालिटी में एंटर होके और जो आप बात करेंगे वो उस मौके के हिसाब से सच लगेगी तो इसमें इम्पॉर्टेंट इस इमेजन करना एक तो ये इसलिए भी है कि आप क्लीशेज़ ना लिखें और आप अपने डिस्क्रिप्शन लिखें अगर जो चीज़ पहले हो चुकी है जो कंपैरिजन पहले हो चुका है वही आप दोबारा दोबारा से ना लिखें जैसे कि आपने कहना है कि कोई बहुत तेज़ है तो आप कहें कि ये तेज़ गाम की तरह तेज़ है दैट हैज़ बिन सेट बिफोर ये पहले भी कहा जा चुका है बहुत दफ़ा कहा जा चुका है तो आप ये सोचें कि आप कौन सी और चीज़ से किसी को कंपेयर कर सकते हैं किसी की किसी क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं या कोई बहादुर है तो आप उसको कहें शेर की तरह बहादुर है उसके अलावा क्या हो सकता है ये तो बहुत चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं इनके मानी ख़त्म हो चुके हैं इतनी दफ़ा यूज़ हो चुकी हैं तो ये क्लीशेज़ इसीलिए इनको कहा जाता है तो हाउ कैन यू क्रिएट योर ओन कंपेरिजन एंड इंटरेस्टिंग फ्रेजेस उसका एक तरीका ये है कि आप आराम से बैठें और आंखें बंद करके इमेजिन करें या मेडिटेट करें उस जगह के ऊपर जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं आप ये लिखना चाह रहे हैं कि कोई कश्ती है जो एक डिज़र्टेड आइलैंड के ऊपर अबेंडन हो गई है और वहाँ पे अब क्या होगा बेशक आप ना गए हो लेकिन आपने कई दफ़ा देखा होगा कहानियों में पढ़ा होगा फिल्मों में देखा होगा तो आप आंखें बंद करके मेडिटेट करें और सोचें कि वहाँ क्या होगा हवा कैसी चल रही होगी स्मेल कैसी आ रही होगी जहाँ बैठे हैं वो जगह आपके नीचे कैसी फ़ील हो रही होगी जितनी डिटेल्स आप सोचेंगे उतनी आपके लिखे हुए में वो सच का फ्लेवर आएगा so that this इज़ important imagining is important इट्स नॉट जस्ट फॉर फैंटसी फिक्शन इट्स नॉट जस्ट फॉर मेजिकल कहानियाँ या बच्चों की कहानियाँ लेकिन ये हर हर किस्म के लिखे के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये शुरू में तो आपको प्रैक्टिस करके करना पड़ेगा फिर आपको आदत पड़ जाएगी एंड लाइक आई सेड बिफोर एवरी यू थिंक इज़ नॉट टू बी रिटर्न दाउन उसमें से आपने सिर्फ इंटरेस्टिंग कोई डिटेल्स निकाल के लिखनी है जिससे कि पढ़ने वाले को पूरे माहौल का आइडिया हो जाए लेकिन आपको पहले वो तस्वीर आपके दिमाग में बनेगी और उसके बाद वो आपके वो कारी या पढ़ने वाले के दिमाग में बनेगी डिफरेंट रियालिटीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं मैंने एक कहानी लिखी थी एक आ, होता था अखबार पल्स ग्लोबल इस्लामाबाद का उसके लिए मैंने कहानी लिखी थी उसका नाम था द पर्पल रेनबो वो एक ब्लाइंड लड़की की कहानी थी मैं आ, खुद किसी नाबीना शख्स को नहीं जानती और लेकिन मैंने वो सिर्फ इमेजिन किया था कि उसके लिए कैसा होगा वो रंगों को कैसे देखती होगी और वो उस कहानी में यही था कि वो अपनी एक आया होती है उससे पूछती है कि रंग कैसा है और आया वो किसी और चीज़ के साथ कंपेयर करके बताती है कि ये रंग जो है जब खीर पकी होती है और तुम्हें अच्छी लगती है उसकी तरह का है या इस तरह से कम्पेरिजन्स करके फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करके उसको बताती है तो आई हैड नो रियल एक्सपीरियंस ऑफ इट बट आई इमेजिन अ डिफरेंट रियालिटी इसी तरह ब्लैक ब्यूटी की कहानी जिन खातून ने लिखी वो ना ख़ुद घोड़ा चला पाती थी इनफैक्ट वो खुद चल भी नहीं पाती थी वो चलने से भी माजूर थी क्योंकि उनका एक एक्सीडेंट हुआ था तो इस लेकिन एक राइटर या कोई भी क्रिएटिव शख्स जो है उसके पास ये गिफ्ट होता है कि वो आ, एक और रियलिटी क्रिएट कर सकता है उसको उसमें खुद एंटर हो सकता है और फिर अपने पढ़ने वालों को भी उसमें बुला सकता है इसके अलावा मेमोरीज आपकी मेमरीज़ एक यूज़फुल रिसोर्स हैं बहुत सी मेमरीज़ स्पेशली जो पेनफुल हों या जो परेशान कुन हो लेकिन जिनके बारे में कहानियाँ लिखी जाती हैं उनको हम उन मेमरीज़ को दबा देते हैं आपको जब किसी से हसद फ़ील हुआ आपको जब किसी ने धोखा दिया आप जब किसी मुकाबले में हार गए तो वो सारी फ़ीलिंग्स जो हैं उनको आपको दोबारा से रिलिव करना होगा उनको दोबारा से सरफेस पे ला के ताकि आप कहानी में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट शो करें या कोई इमोशंस शो करें तो वो रियल हों वो बिल्कुल लेक्चर की तरह के ना लगें बल्कि वो इंसान की ज़बान से आते हुए लगें और अगर कोई ऐसी चीज़ आप लिख रहे हैं जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की तो आप इमेजिन करें जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि मैंने एक कहानी लिखी थी नाबीना ना एक बच्ची के बारे में जो कि दुनिया के बारे में जानती है अपनी आया की आंखों के थ्रू तो और इसी तरह आप मेटाफर्स भी अपने बना सकते हैं ज़रूरी नहीं है सॉफ़्टस्ट सिल्क ही हो सॉफ्ट एस्ट कॉन् सिल्क भी हो सकती है कॉन्न सिल्क होती है जो भुट्टे में या छल्ली में जो गोल्डन से बाल से उसके ऊपर होते हैं तो हो सकता है आप उससे किसी चीज़ की मिसाल देना चाह रहे हो जेंटल एज़ डाइट भी हो सकता है और बहुत से हो सकते हैं एंड आई वुड इन्वाइट यू कि आप ख़ुद इनके बारे में सोचें कि किसी चीज़ को नरम होने को अगर आपने मिसाल देनी हो तो आप किस चीज़ के साथ दे सकते हैं एज़ फास्ट एज़ हमेशा यूजली वो चीता या टाइगर या लेपर्ड इनके साथ मिसाल दी जाती है आप गाड़ी से मिसाल दे सकते हैं किसी और चीज़ से मिसाल दे सकते हैं और ये एक आपके लिए चैलेंज है आपके लिए टास्क है कैन यू ट्राई टू कम्पेयर अ बिलविड टू एनी थिंग अदर देन द मून और अ रोज हमेशा बिलविड को चांद से या गुलाब के फूल से तशबी दी जाती जाती है आप सोचें कि आप और किस चीज़ से कर सकते हैं जॉन डेनवर ने भी ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर के साथ ही किया जो गाना शुरू में आपको जिसके बोल दिखाए थे आप देखिए अगर आप इसमें कोई जिद्दत ला सकते हैं तो और ये एक तस्वीर है इसके बारे में आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें इसमें क्या हो रहा होगा और आप इसको किसकी नज़रों से बताएंगे हो सकता है आप किसी पैसेंजर की नज़रों से इसके बारे में बताएं हो सकता है आप जो सिविल एविएशन अथॉरिटी का गार्ड वहाँ पे खड़ा हुआ है उसकी नज़रों से बताएं कि वो अपनी कहानी बता रहा है कि मैंने कितनी दफ़ा लोगों को मना किया है कि जहाज़ की फ़ोटो ना बनाएं और ये फिर एक शख्स आज फ़ोटो बना रहे हैं और और अचानक वो गार्ड कैसा महसूस करता है उसको हो सकता है बरसों की थकावट उसको महसूस होने लगती है और वो अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है या नहीं है या जो भी So you can take this picture anywhere. It can be anyone's viewpoint. Kisi ka viewpoint ho